सो वेलकम टू द पार्ट फोर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो शुरू करते हैं। हमने जाते वक्त जो पार्ट थ्री में एक पैरिटी ऑपरेटर का क्वेश्चन किया था, हालांकि वो क्वेश्चन आपके पास सही था, आंसर उसका सही निकाला था हमने, पर फिर भी उसके कुछ जो अदर ऑप्शन थे मैं उसको वापस से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं किया इस क्वेश्चन को वापस से देख लें। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द पैरिटी ऑपरेटर पी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास क्या, पी डाइग्रेजिस टू पी, जो कि हर्मिशियन होता है हमारे पास, वो एकदम सही है। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास पी स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी। तीसरी स्टेटमेंट आपके पास पी स्केयर इज इक्वल टू आई, तो ये आपके पास सही था। बी स्टेटमेंट आपके पास पी डाइग्रेजिस टू पी इनवर्स। तो जो सेकंड लास्ट है और एक फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो तीनों स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। तो जो बी ऑप्शन है आपके पास वो गलत था, है ना, पर वो ऑल टाइम गलत नहीं होगा आपके पास। तो देखिए उसको मैं थोड़ा डिस्कवर करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं उस ऑप्शन को हम। तो ऑप्शन था हमारे पास पी स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी, है ना। तो देखिए अगर साई हमारे पास इवन है, तो जब ये ऑपरेट होगा हमारे पास पी साई एफ एक्स इज इक्वल टू इवन है, तो आइगन वैल्यू आपके पास वन आएगी प्लस वन साई ऑफ एक्स। जब एक बार और ऑपरेट करेंगे हम पी स्केयर साई ऑफ एक्स, तो आपके पास वन ही आएगा साई ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी स्केयर इज इक्वल टू पी, ठीक है, जब साई एक्स इवन है आपके पास। अब मैं ले रहा हूँ साई एक्स जब आपके पास ऑड है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पी साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, आइगन वैल्यू माइनस वन है ना, साई ऑफ एक्स, एक बार और ऑपरेट करेंगे पी स्केयर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर साई ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी। तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो सकती है, ओके, जब आपके पास साई ऑफ एक्स ऑड होता है, पर जब साई ऑफ एक्स इवन होगी तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंडीशन जो आपके पास है ये ऑल टाइम आपके पास फॉल्स नहीं हो सकती। जब आपके पास साई ऑफ एक्स ऑड पैरिटी का है तब आपके पास ये वैल्यू ट्रू हो सकती है, तब आपके पास ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है। तो यही चीज मैं डिस्कस करना चाहता था, ओके ओके। तो आगे चलते हैं, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये हमारे पास आगे जाकर बहुत यूज आने वाला है, तो आप ये क्वेश्चन सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मुझे पता है आपको ये चीज आती होंगी, पर फिर भी इन चीजों का यूज बहुत होगा, ठीक है, अगर आपको आता है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए इसके आइगन वैल्यू पहले तो कितनी आएंगी आपके पास, आइगन वैल्यू निकालेंगे हम, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा फाइव फाइव जीरो 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 जीरो, तो आपके पास आ गया थ्री माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास एक तो आ गई प्लस माइनस फाइव एंड थ्री, ओके, तो थ्री वैल्यूज आ गई आपके पास लैम्डा के लिए। अब इसमें कहा गया कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन, तो देखिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन, ओके। तो पहले मैं निकालता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू थ्री पर, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए आपके पास कितना है थ्री जीरो 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 फाइव जीरो फाइव जीरो, ए वन ए टू ए थ्री थ्री ए वन ए टू ए थ्री, ओके, कीजिए सॉल्व इसे। थ्री ए वन थ्री ए वन इज इक्वल टू थ्री ए वन, मीन्स टू से आपके पास थ्री, दूसरा आपके पास फाइव ए थ्री इज इक्वल टू थ्री ए टू थ्री ए टू, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा फाइव ए टू इज इक्वल टू थ्री ए थ्री थ्री ए थ्री, सो ए थ्री इज इक्वल टू थ्री ए टू बाई फाइव, ए थ्री वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर थ्री थ्री ए टू बाई फाइव फाइव ए टू, ओके, तो आपके पास कितना आ गया ट्वेंटी फाइव ए टू माइनस नाइन ए टू इज इक्वल टू जीरो, सो ए टू ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू तो आपके पास जीरो हो नहीं सकती, तो ए टू जीरो होगा आपके पास, तो ए टू इज इक्वल टू जीरो। इफ ए टू इज जीरो देन ए थ्री इज ऑल्सो जीरो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब जैसे देखिए आपके पास ए वन और ये देखो कॉमन आ रहा है, तो ए वन आपके पास वन हो सकता है, तो जो लैम्डा इज इक्वल टू थ्री के लिए हमारे पास जो आइगन फंक्शन बना है पहला, वो बना आपके पास वन जीरो जीरो, और ये नॉर्मलाइज भी है, चेक कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हम लैम्डा इज़ इक्वल टू फाइव लेते हैं, थ्री जीरो 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 फाइव जीरो फाइव जीरो, ए वन ए टू ए थ्री इज इक्वल टू फाइव ए वन ए टू ए थ्री, सो थ्री ए वन इज इक्वल टू फाइव ए वन, और फाइव ए थ्री फाइव ए थ्री इज इक्वल्स टू फाइव ए टू, फाइव ए टू इज इक्वल्स टू फाइव ए थ्री। तो यहाँ से तो हमें पता लगता है कि ए टू और ए थ्री बराबर होंगे ना, तो ए टू इज इक्वल्स टू ए थ्री, और यहाँ से हमें क्या पता लगता है फाइव माइनस थ्री ए वन इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर हमारे पास ए वन जीरो हो सकता है, ओके, और यहाँ पर आपके पास दोनों वैल्यू सेम होगी। मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू आपके पास बी आएगी, है ना, तो जो आइगन वैल्यू हमारे पास फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू फाइव के लिए बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है ए वन जीरो बी बी,
ओके तो देखिए जो हमारे पास ये आइगन वैल्यू है साई फॉर फाइव। अब देखिए इसे नॉर्मलाइज करके देख लेते हैं, हम नॉर्मलाइज कर यहीं पर कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है साई स्टार यहीं पर देते हैं हम इसको, तो जीरो बी टू बी, सो टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, तो बी इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, तो बी की वैल्यू आपके पास वन बाय रूट टू आ गई और ये आपके पास आइगन फंक्शन क्या पड़ेगा वन बाय रूट टू जीरो वन वन फॉर फाइव, है ना फॉर फाइव के लिए। ऐसे जब आप साई फॉर माइनस फाइव निकालेंगे वो आपके पास आएगा वन बाय रूट टू जीरो वन माइनस वन, ओके तो चेक कर दीजिएगा इसे। तो चलिए पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय साई ऑफ आई इज इक्वल टू समेशन आई टू, वी डोंट नो हाउ मेनी स्टेट कैन बी पॉसिबल देयर, सो सी आई फाई आई। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि कल हम कहीं जाएंगे पर उसने आपको ये नहीं बताया कि हम कल कहाँ जाएंगे, तो आपके माइंड में थ्री टू फोर पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि जहाँ पर आपका फ्रेंड आपको लेके जा सकता है, थ्री टू फोर पॉसिबिलिटीज से ऊपर भी बन सकती हैं, ठीक है। तो जो इन सब का सुपरपोजिशन है वो आपके माइंड में चलता है, ठीक है, तो वो एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम के से दिखाते हैं। और वो जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसमें से कोई एक सिचुएशन अक्कर होगी जहाँ पर कि आप कल आपका आपका फ्रेंड लेके जाएगा, ओके। इसका एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, तो कॉइन को टॉस करने से पहले आपके माइंड में पॉसिबिलिटीज बनती हैं हेड और टेल की, तो आपके पास सुपरविजन बनता है दो स्टेट का, तो आपके दिमाग में सिस्टम के लिए दो स्टेट का सुपरविजन बनता है सी वन फाइव वन प्लस सी टू फाइव टू, ओके। पर हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, पर आएगा एक ही चीज़, तो आपके माइंड में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो हेड पॉसिबल है या टेल पॉसिबल है, दोनों साइमल्टेनियस पॉसिबल नहीं हो सकते, तो इसलिए हम किसी सिस्टम की स्टेट को सुपरपोजिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है, मान लीजिए आपके पास 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड अप टू 5 है एंड मे बी सो ऑन, आपके पास क्या है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज कैट वैक्टर्स आई हैं जो कि किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन कैट वैक्टर्स का जो लीनियर सुपरपोजिशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक सिस्टम। नेक्स्ट पोस्टुलेट है आपके पास ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स, एनी डायनेमिकल वेरिएबल ए इन क्वांटम मैकेनिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर। तो देखिए ऑब्जर्वेबल का मतलब समझिए, ऑब्जर्वेबल जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लेबोरेटरी में, तो देखिए हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो रियल वैल्यू को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जो हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम रिप्रेजेंट करेंगे वो हर्मिशियन ऑपरेटर से करेंगे। अब हर्मिशियन ऑपरेटर से ही क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज आती हैं वो रियल आती हैं, इसलिए एनी डायनेमिकल वेरिएबल ऑपरेटर ए इन क्वांटम मैकेनिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर लाइक मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच कट डी बाई एक्स। थर्ड पोस्टुलेट मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने जाना कि आपके पास सिस्टम सिंगल स्टेट में होगा या फिर सुपरपोजिशन स्टेट में, ओके। सेकंड पोस्टुलेट में हमने जाना कि आपके पास ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल कौन सा ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब वक्त आ गया है कि उस ऑब्जर्वेबल को उस स्टेट के ऊपर अप्लाई करके उसके आइगन वैल्यू को मेजर करना, तो हम ये सब कुछ कैसे करते हैं, उस ऑब्जर्वेबल मीन्स ऑपरेटर को जब हम किस स्टेट वेक्टर साई पर ऑपरेट करेंगे, तो वो आपके पास यहाँ पर मैं सुपरपोजिशन लेके चल रहा हूँ, तो ए ऑपरेटर व्हेन ऑपरेट्स ऑन कैट ऑफ साई इज इक्वल्स टू व्हेन साई विल बी शोन एज सुपरपोजिशन ऑफ ऑल द स्टेट वेक्टर्स सी आई फाइव वन फाइव टू फाइव वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट बाय फाई एन, ओके। तो ए फाई एन लेट्स सी द आइगन वैल्यू इज ए एन फाई एन, सो दैट्स हाउ द थिंग्स विल वर्क। थर्ड पोस्टुलेट के अंदर ही आपके पास स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट, तो पहले हम लेके जाते हैं नॉन डिजनरेट रिजल्ट। इफ एन ऑब्जर्वेबल ए इज मेजर्ड इन स्टेट कैट्स ऑफ साई विच इज इक्वल टू समेशन सी आई फाई आई देन स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट विद नॉन डिजनरेट रिजल्ट ए एन। तो देखिए जब आपके पास ऑपरेटर ए फाई एन पर ऑपरेट होता है और आपको एक नॉन डिजनरेट रिजल्ट मिलता है, तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए जब आपके पास नॉन डिजनरेट रिजल्ट मिलेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक ही सिंगल स्टेट बनेगी जो कि फाइव ऑफ एन है, ओके। तो सिंगल स्टेट पॉसिबल है नॉट एनी अदर। तो अब जब आपको कन्फर्म हो गया है कि जब ऑपरेटर ए फाइव एन के ऊपर ऑपरेट होता है तो आपके पास ए एन जो नॉन डिजनरेट वैल्यू आती है वो फाइव एन के कॉरस्पॉन्डिंग आती है, वो आपके पास सिंगल स्टेट है और किसी के पास नहीं आ सकती है क्योंकि नॉन डिजनरेट है। तो इसके लिए अब हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करते हैं टू नो द स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट। तो स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इस स्टेट का प्रोजेक्शन ऑपरेटर आपके पास, क्योंकि आपके पास ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, तो ये हम ऑपरेट करेंगे इस पूरी सुपरपोजिशन के ऊपर। तो साई आफ्टर, सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं इस स्टेट के ऊपर साई। तो देखिए आपके पास ये साई स्टेट को थोड़ा सा और एक्सपेंड फॉर्म में लिखें समेशन सी आई, ओके। तो देखिए जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे C1 5N प्लस C2 5N, CN 5N
ओके देखिए हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया था कि आपके पास ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स होती हैं जो सुपरपोजिशन में से होती हैं, तो आपके पास सिर्फ ये और ये पॉसिबल हो सकती है और कोई नहीं, है ना। तो जब ये इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी तो आपके पास सी एन आ जाएगा, सी एन फाइव एन। तो स्टेट साई आफ्टर आपके पास इतना बच जाएगा। अब इसी में आपसे वो नॉर्मलाइज स्टेट भी पूछ सकता है, नॉर्मलाइज स्टेट आफ्टर मीजरमेंट। तो नॉर्मल स्टेट आफ्टर मीजरमेंट कितनी होगी, देखिए साई स्टार साई आफ्टर हम जब करेंगे तो जब हम ब्रा साई कैट साई करेंगे तो आपके पास ये टर्म वन कब होगी आपके पास, देखिए ये तो आपके पास वन हो जाएगा फाइव एन, क्योंकि नॉर्मल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास वन नॉर्मलाइज तभी दिख सकता है जब आपके पास सी एन मॉड स्क्वायर आपके पास वन हो। तो ये आपके पास ये रही नॉर्मलाइज स्टेट आफ्टर मीजरमेंट। ओके अब हम नेक्स्ट चलते हैं डीजनरेट केस के ऊपर। तो स्टेटमेंट नोट करते हैं, इफ एन ऑब्जर्वेबल ए इज मेजर्ड इन स्टेट कैट ऑफ साई इज इक्वल टू समेशन सी आई फाई आई, देन स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट विद डीजनरेट वैल्यूज ए एम। तो आपके पास कितनी वैल्यूज आती हैं, एम फोल्ड डी जनरेट्स ये आती है आपके पास विद एम फोल्ड डी जनरेट वैल्यूज ए एम, ठीक है। तो देखिए जैसे कि पिछली बार जब आप अब ऑपरेट कर रहे हैं ए ऑपरेटर आपके पास फाइव एन एंड इट इज गिविंग अस रिजल्ट ए एन, तो ए एन जो हमारे पास वैल्यू आ रही है डी जनरेट वैल्यू आ रही है हमारे पास वो एम फोल्ड आ रही है, मतलब कि एम स्टेट्स के लिए आ रही है वो। तो इसके लिए आपके पास m लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स पॉसिबल है। तो यहां पर मैं j नोटेशन नोट कर देता हूं, j रिप्रेजेंट करता है आपके पास 1 टू n। तो an जो आपके पास है वो m फोल्ड डीजनरेसी है और m यहां पर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगे, m लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू m। ओके साई आफ्टर फाइंड आउट करने के लिए साई आफ्टर ये आप वैसे ही प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प लेंगे, यहां पर भी समेशन j 1 टू m फाई एन जे, पर यहां पर हम साई का सुपरपोजिशन खोलेंगे। अब क्योंकि ये ऑर्थो नॉर्मल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो जिन वैल्यूज के लिए आपके पास डीजनरेट वैल्यूज ए आ रही है उनके लिए आपके पास वन हो जाएगा अनलेस दे विल बी जीरो। ओके सो समीशन जे वन टू एम फाई एन जे। ओके मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट, तो इसके रिलेटेड पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूं फिर वापस हम इस कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे कि आपको जो ये ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको क्लियर हो जाए, जो मे भी आपके सिर के ऊपर से निकल गया हो, तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये पूरा अंडरस्टूड करवाने की कोशिश करूंगा कि ये मैं क्या कहना चाहता था। ओके तो देखिए हमको दे रखा है कंसीडर ए स्टेट कैट ऑफ साई ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम दैट इज गिवन बाय साई, तो देखिए साई मैं नोट आउट कर लेता हूं पहले, 1 बाय रूट टू कैट ऑफ फाई वन 1 बाय टू। ओके वेयर फाई वन फाई टू फाई थ्री आर ऑर्थो नॉर्मल कैट वेक्टर्स, देखिए ये बात ध्यान से लिखिएगा, इफ अ डायनेमिकल वेरिएबल ए इज मेजर्ड इन दिस स्टेट कैट ऑफ साई सच दैट ए व्हेन ऑपरेट्स ऑन कैट ऑफ फाई वन गिव्स अस आइगन वैल्यू ए A on phi 2, 2A, phi 3, eigen value, phi 3. तो हम फाइंड आउट करते हैं what are the probabilities of obtaining the value of A and 2A, what are the states immediately after measurement. तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पे है what are the state immediately after measurement with the result A. तो पहले हम result A के लिए state immediately after measurement निकालते हैं। देखिए जो result आपके पास ए है वो डीजनरेट है, तो पहले आपके पास नॉन डीजनरेट पे चलते हैं ना, क्योंकि नॉन डीजनरेट हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था, तो नॉन डीजनरेट के ऊपर चलते हैं जिससे कि आप डीजनरेट को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। देखिए जो नॉन डीजनरेट रिजल्ट है उसके लिए हम स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट निकालते हैं साई आफ्टर। तो देखिए 2A आपके पास जो आ रहा है वो फाई 2 के लिए आ रहा है, तो फाई 2 के हम क्या लेंगे प्रोजेक्शन फाई 2, यहां पर आपके पास साई आता होता है तो साई। अब देखिए क्वेश्चन में हमें देखा है कि आपके पास फाई 1 फाई 2 एंड फाई 3 आर ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स, ओके ऑर्थो नॉर्मल कैट स्टेट वेक्टर्स, तो फाई टू
आपके पास किसके ऊपर ऑपरेट होगा, देखिए आप इसके ऊपर ऑपरेट होगा नहीं, जीरो आ जाएगा ये ना, इसके ऊपर भी जीरो, तो यहां पर ही हमारे पास बचेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये। सो स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट आपके पास आ जाएगा 1/2 φ2 1/2 φ2। तो ये समझ तो आ गया ना आपको, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि मुझे यहां पर लिखना पड़ता, चलो लिख देता हूं आपके लिए मैं, फाइव टू कैट ऑफ साई 1/√2 कैट ऑफ फाइव वन प्लस 1/2 कैट ऑफ फाइव टू प्लस हाफ कैट ऑफ फाइव थ्री। ओके, तो जल्दी आप जब इस चीज को ऑपरेट करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर आपके पास ये जीरो आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा, तो इसलिए मैं लिख रहा था हाफ कैट ऑफ फाइव टू। ओके, अब निकालते हैं हम स्टेट इमीडिएटली मेजरमेंट फॉर आइगन वैल्यू ए। तो साई आफ्टर इज इक्वल्स टू, तो देखिए ए हमारे पास किस चीज के ऊपर आ रहा है, फाइव वन एंड फाइव थ्री। तो वहां पर हमने क्या लिखा था, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, फाइव वन, तो यहां पर फाइव एन जे आपके पास क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट हमारे पास कौन सी है, फाइव वन एंड फाइव थ्री, विच आर गिविंग अस आइगन वैल्यू ए। सो देर इज अ टू फोल्ड डिजनरेट, तो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपके पास, इसको हम देखे समेशन खोल रहा हूं मैं, फाइव वन प्लस फाइव थ्री। ओके, तो ये आपके पास ऑपरेट होगा किसके ऊपर, साई के ऊपर। तो देखिए इस बार भी हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है आपके पास वो सिर्फ इसके ऊपर ऑपरेट होगी, तो आपके पास आएगा 1/√2 फाइव एन। अब तो लिख सकता हूं ना मैं इसको, वैसे अब तो ऐसे नहीं करूंगा मैं इसको, फाइव थ्री को ऑपरेट करेंगे हम इसके ऊपर, क्योंकि ये तो आपके पास जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और सो नॉर्मल कैट वेक्टर्स दे रखे ना हमें, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 φ3। ओके, सही आंसर। अब बात करते हैं इनके नॉर्मलाइज की, देखिए जब मैं इस चीज को नॉर्मलाइज करूंगा आपके पास, तो ये आपके पास कब नॉर्मलाइज हो सकता है, तो ये टर्म जो साई आफ्टर है आपके पास, ये नॉर्मलाइज कैसे होगा आपके पास, ये नॉर्मलाइज होगा आपके पास, देखिए फाइव टू हमें दे रखा है क्वेश्चन में यार, दे आर ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड स्टेट वेक्टर्स, तो ये तो आपके पास ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड स्टेट वेक्टर्स है ही, तो आपके पास ये टोटली ऑल्सो नॉर्मलाइज तभी होगा जब आपके पास ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये तो आपके पास हो ही जाएगा नॉर्मलाइज्ड, तो साई आफ्टर व्हेन इक्वल्स टू फाइव टू इज अ नॉर्मलाइज्ड स्टेट आफ्टर मेजरमेंट। अब देखिए हम इसका देखते हैं, तो देखिए यहां पर इसे नॉर्मलाइज करने के लिए यहां पर नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट लेते हैं हम साई आफ्टर, तो देखिए अगर ये आपके पास नॉर्मलाइज है तो इसका ब्रैकेट आपके पास क्या होगा, 1 होगा, तो ये आपके पास तभी हो सकता है जब आपके पास एन स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/4 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब आपके पास ये 1 होगा तो एन की वैल्यू ऐसी क्या है, तो एन की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, एन स्क्वायर आपके पास जब ये आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4/3 मीन्स एन इज इक्वल टू 2/√3। ओके, तो आपके पास जो साई आफ्टर दिखेगा वो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, साई आफ्टर दिस इज अ नॉर्मलाइज्ड स्टेट आफ्टर मेजरमेंट फॉर अ डीजनरेट वैल्यू ए। और बात की जाए इसके फर्स्ट पार्ट की कि आपके पास प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए वैल्यू एंड टू ए वैल्यू, तो देखिए ए वैल्यू ऑब्टेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, देखिए ए वैल्यू हमारे पास कहां से आ रहा है, फाइव वन से आ रहा है और फाइव थ्री से आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए, तो 1/2 प्लस 1/4 डिवाइड बाय आपके पास टोटल नॉर्मलाइजेशन, तो इसको जब आप नॉर्मलाइज करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1/4 1/4 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, तो नीचे आपके पास 1 आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए के पास 3/4 आ जाएगी, ऐसी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 ए आपके पास कितनी आ जाएगी। ये तो फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ मेजरमेंट, हालांकि हमने ये पिछली प्रॉब्लम में कर लिया है पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए अब जो साई आफ्टर मेजरमेंट हमारे पास आएगा उसमें आपके पास डीजनरेट वैल्यू की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, हमने डीजनरेट और नॉन डीजनरेट वैल्यू की प्रोबेबिलिटीज निकाली है इसके अंदर, तो आपके पास देख लीजिए हम इसको जल्दी से वाइंड अप कर देते हैं, कैट ऑफ साई विच इज सुपरपोजिशन ऑफ फाई आइगन स्टेट्स, सो इफ यू वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आईएथ स्टेट दिस फाई आई स्टेट, तो देखिए हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आईएथ स्टेट की, तो ब्रा फाई आई ऑफ कैट साई मॉड स्क्वायर ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो आपके पास कितनी आएगी, सी आई मॉड स्क्वायर ओवर समेशन सी आई मॉड स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास इजीली निकल जाएगी, हमने पिछले प्रॉब्लम ये फाइंड आउट भी कर लिया। फिफ्थ पोस्टुलेट, टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, तो मान लीजिए जो आपके पास इनिशियल स्टेट हमें दे रखी है साई टी नॉट, अब ये स्टेट टाइम के साथ कैसे चेंज होगी हम ये जानना चाहते हैं। लेट्स से व्हेन अ टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर यू टी ऑफ टी नॉट ऑपरेट्स ऑन टी नॉट, इट गिव्स अस साई ऑफ टी विच इज स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एनी गिवन टाइम टी, हियर यू टी और टी नॉट इज टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर एंड टी इक्वल्स टू टी नॉट दिस इज अ आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, यू वेरी वेल नो दिस। Let's move on and discover what this time evolution operator is.
हम श्रोडिंगर इक्वेशन अच्छी तरीके से जानते हैं, एस आई ऑफ टी इज इक्वल टू आईटा एच कट कर्ल ओवर कर्ल टी साई ऑफ टी। अब देखिए साई ऑफ टी को हम यहां से, तो साई ऑफ टी को हम क्या नोट कर सकते हैं, यू ऑपरेट ऑन साई ऑफ टी नॉट। तो साई ऑफ टी को मैंने ये नोट कर दिया और ऐसे ही मैंने राइट हैंड साइड में भी कर दिया। ओके, डिफरेंशिएशन मैं अंदर ले गया हूं। अब जो राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यू ऑपरेटर का डिफरेंशिएशन तो कर दिया है पर साई ऑफ टी नॉट का नहीं किया। तो देखिए वो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पर है, उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास वो जीरो आएगा, इसलिए वो मैंने नहीं कर रहा हूं। आगे चलते हैं, इफ वी और एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब देखिए इस बात को मैं आपको समझाता हूं, मैंने दोनों साइड, जो ये दोनों साइड थी आपको, उसको मैंने यू ऑफ टी टी नॉट एंड साई ऑफ टी नॉट से डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अब देखिए ये जो मैंने डिवाइड किया है उसमें जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें अगर एच टाइम के इंडिपेंडेंट होता है तो एच यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज़ किया जाएगा, जिससे कि आपके पास h को छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड में u ऑफ टी टी नॉट एंड साई टी नॉट ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हम राइट हैंड साइड देखें, इसमें आपके पास क्या होगा, जैसे साई ऑफ टी नॉट आपके पास वैसे ही टाइम से इंडिपेंडेंट है तो आपके पास वो ऊपर नीचे भी कट जाएगा। ओके, तो आपके पास जो रह जाएगी टर्म वो इतनी रह जाएगी, h आईटा h कट बाई u कर u ऑपरेटर ओवर कर t। ओके, अब देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपके पास एल एन यू इज इक्वल टू माइनस आईटा एट हैमिल्टोनियन टी ओवर एच कट प्लस सी। अब देखिए सी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पर एल एन यू, यू हमारे पास क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर और हमारे पास लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, आईटा एच कट टी नॉट बाय एच कट, आईटा एच हैमिल्टोनियन टी नॉट बाय एच कट, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद लॉग से कन्वर्ट करके हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इवैल्यूएट कर लेंगे, जो कि आपके पास ई टू द पावर माइनस आई आइटा ई टू द पावर माइनस आइटा एच टी माइनस टी नॉट ओवर एच कट। ओके, देयरफॉर द टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, देयरफॉर द स्टेट एट एनी टाइम टी विल बी गिवन लाइक दिस, इफ स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम देन कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट एट एन लेटर टाइम इज ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास स्टेट नॉर्मलाइज्ड है तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे आफ्टर टाइम टी द स्टेट विल स्टिल रिमेन नॉर्मलाइज्ड। तो प्रास साई ऑफ टी कैट साई ऑफ टी जब हम ऑपरेट करके देखिए आप, तो एक्सपोनेंशियल टर्म आपके पास वन हो जाएगी और ये देखिए साई टी नॉट और साई टी नॉट कैट ब्रा की फॉर्म में वापस से आ गए, जो कि हमारे पास वन होता है, वो देखिए इवेंचुअली हमारे पास इवेल्यूएट हो चुका है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटीज यहीं इसके साथ ही खत्म होते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपको ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर ए इन स्टेट कैट ऑफ साई। तो देखिए ऑपरेटर की हम जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है उसको हम यूज़ करेंगे पहले, तो ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन आपके पास ब्रा साई ए ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन कैट ऑफ साई ओवर, अगर आपके पास जो स्टेट है वो नॉर्मलाइज नहीं है तो आप नीचे नॉर्मलाइजेशन भी ले सकते हैं उसका। ओके, राइट हैंड साइड में इसे मैंने इंटीग्रेशन वे में शो किया। अब देखिए दूसरा पार्ट, ये आपके पास ट्रिक वे आप कह सकते हैं इसे, कि अगर मान लीजिए जो कैट ऑफ साई है वो आपके पास आइगन स्टेट है ए ऑपरेटर का, ठीक है, इफ कैट ऑफ साई इज एन आइगन स्टेट और आइगन कैट ऑफ एन ऑपरेटर ए विद आइगन वैल्यू ए, तो उसकी हम जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट पर आते हैं, अब आपके पास फाइव आइगन स्टेट्स आ गए हैं जो कि उस ऑपरेटर के आइगन स्टेट बन सकते हैं, विच गिविंग अस आइगन वैल्यू ए आई, ठीक है, तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन होगी इस टाइम वो आपके पास होगी समेशन पी आई ए आई। पी आई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है जो कि हमने अभी डिस्कस की थी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपके पास सी आई मॉड स्क्वायर ओवर टोटल सी आई स्क्वायर, ऊपर आपके पास उनके कोफिशिएंट्स आएंगे जो ऑपरेटर ए के आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है, और नीचे आपके पास जितने भी टोटल कोफिशिएंट्स बनते हैं उन सारों का आपके पास मॉड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे तरीके से, पॉस्लेट्स के ऊपर, चलिए पॉस्लेट्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए जाएं, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, द स्टेट ऑफ एन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज गिवन बाय साई, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, साई इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 5 कैट ऑफ फाई 1 माइनस 1 ओवर रूट 5 कैट ऑफ फाई 2 प्लस ए कैट ऑफ फाई 3। इफ, तो पहला पार्ट हमें जो डिस्कस करना है वो है, इफ कैट ऑफ साई इज नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन फाई 1 फाई 2 एंड फाई 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सो वी हैव टू नॉर्मलाइज द होल स्टेट। अगर हम इसे नॉर्मलाइज करें तो आपके पास देखिए कितना आएगा, देखिए इसके कॉफिशेंट्स को करते होते हैं जैसे कि हमने पॉस्टलेट्स में देखा था, इसके कॉफिशेंट्स को अगर किया जाए नॉर्मलाइज देखने में, ये आपके पास वन आएगा, अगर वन आना चाहिए अभी नॉर्मलाइज हो तो 1/5 प्लस 1/5 यहाँ पर आपके पास ये ए स्क्वायर, तो ये इवेंचुअली आपके पास कितना बन जाएगा 1-2/5 ए स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 3/5, सो ए की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3/5 आ गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन फाई 1, सो लेट्स री राइट द कैट ऑफ साई, इट वुड बी लुक लाइक दिस, फाई 1 माइनस 1 ओवर रूट 5 फाई 2 प्लस अंडर रूट 3/5 कैट ऑफ फाई 3। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 1
it is 1 by 5, priority of phi 2, 1 by 5 also, and priority of the state being in phi 3 is 3 by 5, okay, so this is the answer of the first question. इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. इफ एनर्जी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टेट फाइव वन कैट फाइव टू एंड कैट फाइव थ्री इज इवन ई टू एंड ई थ्री रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द स्टेट एट एनी लेटर टाइम टी एंड प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट इन स्टेट फाइव थ्री एट टाइम टी. तो देखिए कितना ईजी है ये भी. अभी हम करके आए हैं आपके पास, अगर हमें स्टेट को किसी टाइम टी पर फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाते थे, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर. एंड व्हाट दिस टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इज ई टू द पावर माइनस आई ई टी माइनस टी नॉट बाय एच कट. ओके, सो लेट्स यू दिस. सो वी वांट टू नो द साई ऑफ टी. ओके, what we have to do that operate the time evolution operator on psi of t naught, means we have to apply e to the power minus I e t minus t naught by h cut on psi of t naught, and we know that the psi of t naught is what, psi of t naught is this. Okay, so let's apply this to know the psi of t. E to the power minus I, I'm applying this individually, okay, and missing some steps to conclude this answer fast. तो आपके पास जो पहला स्टेट है इसके लिए आपको एनर्जी कितनी दे रखी है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी इज इवन इवन टी माइनस टी नॉट. लेट्स से द इनिशियली टाइम बी जीरो, सो टाइम टी माइनस कट साई फाइव वन टी पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट फाइव टू. ओके सॉरी आई एम मिसिंग समथिंग, सो वन बाय रूट फाइव माइनस वन बाय रूट फाइव प्लस ए, ए इज रूट थ्री बाय फाइव रूट थ्री बाय ई टू पावर माइनस आई ई थ्री टी बाय एच कट. Okay, so the priority finding the state in system in state 5 3 is 3 by 5 simply. So at time t the priority of finding the system in state 5 3 is 3 by 5 simply. तो चलिए टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर पे एक और क्वेश्चन देखा जाए. द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल एट टाइम t = 0 इज, देखो टाइम t = 0 देखा है, इज साई ऑफ एक्स टी नॉट 1 बाय अंडर रूट 5 2 साई नॉट एक्स माइनस साई 1 एक्स. ओके, साई 1 फंक्शन ऑफ एक्स. Psi naught and psi 1 x are the ground and the first excited state of a particle with corresponding energies E naught and E 1. देखिए सिंपली आप ये बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन कर सकते हैं. देखिए कैसे आप इसमें वेव फंक्शन एट टाइम टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 बाय रूट 5 टू साई नॉट एक्स ई टू द पावर माइनस ई टी माइनस टी नॉट बाय एच कट. तो यहाँ पर आपको एनर्जी कितनी दे रखी है साई नॉट एक्स स्टेट में, ये एनर्जी दे रखी है ई जीरो. तो आपको क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस ई जीरो टी बाय एच कट, क्योंकि जब टी माइनस टी नॉट करेंगे तो टी नॉट तो जीरो है ना हमारे पास, तो टी बाय एच कट. ऐसे ही दूसरे में कर देंगे, वहाँ पर एनर्जी ईवन दे रखी है, तो आपके पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है. तो डी ऑप्शन करेक्ट एंड ईजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय cut of psi is equals to phi 1 plus phi 2 phi 2 plus 3 phi 3, where phi 1 phi 2 phi 3 form an orthonormal state. The probability of finding the system in the state phi 2 is, देखिए इजी क्वेश्चन है, आप इसको करने से पहले स्टेट को नॉर्मलाइज जरूर कर लीजिएगा. गेट 2016 में आया क्वेश्चन है ये. देखिए पहले तो हम देखते हैं कट ऑफ साई हमारे पास क्या नॉर्मलाइज है. देखिए हमारे पास कितना बड़ा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो आपके पास ये रूट 14 बन गया, तो 1 के इक्वल तो आ ही नहीं रही है, तो नॉर्मलाइज नहीं है ना ये. तो हम पहले इसको नॉर्मलाइज करते हैं. इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आप इसको डिवाइड करें 1 बाय रूट 14 से. ठीक है, नॉर्मलाइज हो गया अभी. अब देखिए अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट फाइव टू. तो देखिए आप पोस्टलेट फोर अप्लाई कीजिए. पोस्टलेट फोर हमारे को क्या कहता है कि जिस स्टेट की आपको प्रायोरिटी फाइंड आउट करनी है उसका कॉफिशियंट कितना आ रहा है हमारे पास, 2 बाय रूट 14. ओके, 2 बाय रूट 14 और पूरी स्टेट तो आपके पास नॉर्मलाइज है डिवाइडेड बाय आपके पास जितने भी कॉफिशियंट है जिससे कि हम सारी स्टेट को नॉर्मलाइज कर सकें, तो वो तो आपके पास 1 ही है. तो 2 बाय 14 आपके पास आ गया, तो आपके पास प्रायोरिटी बनती है 4 बाय 14. ओके, क्योंकि 2 बाय रूट 14 था ना, 2 बाय रूट 14 का आप मोड मॉड्स करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 बाय 14. 4 बाय 14 मीन्स 2 बाय 7. तो बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए. योर आंसर शुड बी इन 2 डेसिमल प्लेसेस एंड योर आंसर विल बी अराउंड द 0.27 समथिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. CSIR जून 2011. द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय साई 1 ओवर अंडर रूट 2 फाई नॉट प्लस आई फाई 1, वेयर फाई नॉट एंड फाई 1 आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस विद एनर्जीज ई नॉट एंड ई 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली. द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ इन द स्टेट साइज. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन. सो अकॉर्डिंग टू द पोस्टलेट्स में हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ऑपरेटर की. तो देखिए एच ऑपरेट्स ऑन साई, तो ये भी चेक करना जरूरी है कि नॉर्मलाइज है या नहीं है. तो आप 1 ओवर √2 फाई नॉट, तो देखिए नीचे नॉर्मलाइजेशन भी ले लेते हैं हम. नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे जब इसका, तो आपके पास कितना आएगा हाफ प्लस 1, तो 3 बाय 2 आ जाएगा आपके पास. देखिए नॉर्मलाइज नहीं था आपके पास, नहीं है, तो ये करना जरूरी था. इस फैक्टर से हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो सकता था. तो जब h आपके पास phi नॉट के ऊपर ऑपरेट होता है तो कितना आता है ई नॉट, ई नॉट. और जब phi 1 के ऊपर ऑपरेट होगा तो आपके पास कितना आएगा ई 1. और नीचे वाली टर्म आपके पास कितनी बनेगी 3 बाय 2, तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं 2 बाय 3. ओके, ये आपके पास स्टेट नॉर्मलाइज रखे हैं. साई नॉट एंड साई 1 आर नॉर्मलाइज आइगन फंक्शंस. ओके, इसका मैं आपको बताऊंगा अभी. जब ये आपके ऊपर ऑपरेट होगा तो आपके पास आएगा ई नॉट बाय 2
अब देखिए मैं इसको स्थिर कर रहा हूँ पहले, ठीक है। अब बस ये कितना आएगा, 1e1। अब देखिए उसने हमें ये तो नहीं कहा ना कि आपके पास साइन नॉट एंड साइवन आर ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस। दे आर नॉट ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस, दे आर जस्ट नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस। बट ही हिंट्स अस दैट एच इज गिविंग अस टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ई नॉट एंड ईवन फॉर डिफरेंट आइगन फंक्शन साइन नॉट एंड साइवन, एंड वी नो दैट एच इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। अब क्योंकि आपके पास ये हम जो ऑब्जर्वेबल निकाल रहे हैं ये आपके पास हर्मिशियन है, और हर्मिशियन की दूसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट आइगन फंक्शंस पर दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों डिफरेंट आइगन फंक्शंस उस ऑपरेटर के लिए क्या होंगे, ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड होंगे, ठीक है, वो आपके पास ऑर्थोगोनल होंगे। तो इसलिए मैं वो प्रॉपर्टी का यूज करके इन दोनों को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। जब साइन और साइवन पर ऑपरेट होगा तो आपके पास जीरो होगा, जब ये आपके पास निकलेगा तो ये आपके पास जीरो होगा, ठीक है। तो आपके पास इक्विवेलेंटली कितना बन गया, 2/3। ओके, तो ओके, तो आपके पास ये ऑप्शन बनता है। देखिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द आइगन स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज ईवन एंड ई टू ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियंस आर कैट वन एंड कैट टू रिस्पेक्टिवली। इफ एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द सिस्टम इज इन स्टेट कैट ऑफ साई टी इज इक्वल टू जीरो साइन थीटा कैट वन प्लस कॉस थीटा कैट टू द वैल्यू ऑफ ब्रा साई ऑफ टी एंड कैट साई ऑफ टी एट टाइम टी विल बी। तो देखिए ये डायरेक्टली आपके पास बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, अभी हम करके आए हैं कि आपके पास जब कोई टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर किसी टाइम टी जीरो पर, मतलब कि किसी बैकवर्ड टाइम पर हमारे पास क्या नॉर्मलाइज है, तो वो आने वाले टाइम पर जब वो इवॉल्व हो जाता है स्टेट तब भी वो नॉर्मलाइज ही रहता है। तो पहले हम टाइम टी इक्वल टू जीरो जीरो पर इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि आपके पास स्टेट नॉर्मलाइज है या नहीं। तो देखिए साइंस का थीटा हम कोफिशिएंट लेते होते हैं, तो कोफिशिएंट्स का हम मोड स्केयर करते हैं, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1, तो नॉर्मलाइज है हमें पता लग रहा है। ओके, तो साई ऑफ टी इज इक्वल टू 0 नॉर्मलाइज है, तो आने वाले टाइम पे भी ये नॉर्मलाइज ही होगा। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गेट 2003 में आ रखा है और मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करूंगा, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, पर मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मैं देख चुका हूं क्वेश्चन ये। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई वन एंड साई टू कॉरस्पॉन्ड टू द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल। यू आर गिवन द इन्फॉर्मेशन दैट द ऑपरेटर ए एक्ट्स ऑन द वेव फंक्शन ए साई वन इज इक्वल टू साई टू एंड ए ऑपरेट्स ऑन साई टू इज इक्वल टू साई वन। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, देखिए बहुत ईजी है। देखिए जब वो साई वन पर ऑपरेट होगा तो आपके पास साई टू बना देगा, और साई टू पर ऑपरेट होगा तो साई वन बना देगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए सिंपल, आपके पास इसमें तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैं आपको सीधी सीधी बात हूँ। तो और नीचे आप देखिए नॉर्मलाइज है या नहीं है ये, ठीक है, ये आपके पास 9 + 16/25 देखिए नॉर्मलाइज आई है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज आपके पास बन रहा है, ऊपर आपके पास आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो पहले का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, पहले का आपके पास मेरे को याद भी है इसका रेशो आपके पास 24/25 आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा इसका 0.96 बनेगा। और दूसरे पार्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए स्क्वायर। तो देखिए जब आपके पास एक बार ऑपरेट होगा इस कैट ऑफ साइवन पर ऑपरेट होगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा, वो साई टू बन जाएगा, और एक बार फिर ऑपरेट होगा तो वापस से अपनी स्टेट में आ जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ए ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, साइवन एंड साई टू आर बोथ हर आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, गेट के सभी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आप उसको बिना पेन पेपर के कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। CSIR December 2011 पर मैं आ रहा है आपके पास क्वेश्चन ये। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 0 इज गिवन बाय कैट ऑफ साई 0 इज इक्वल टू cat of psi 0 is equals to 1 by under root 2 cat of u1 plus cat of u2, where cat of u1 and cat of u2 are the normalized eigen states with eigen value even and e2 respectively. e2 is greater than even, the shortest time after which the cat of psi of t will become orthogonal to cat of psi 0 is. तो shortest time हमें देखना है। तो देखिए पहले तो हम इसे निकालते हैं कि आपके पास ये जब evolve हो जाएगा ये state तो आपके पास कैसी दिखेगी। तो e टू दावर माइनस आई, देखिए आपके पास u1 के लिए क्या सी स्टेट दे रखी है आपको, आइगन वैल्यू देखिए e1 e टू दावर माइनस आई e1 t बाय h कट कैट ऑफ u1 प्लस e टू दावर माइनस आई e2 t बाय h कट कैट ऑफ u2। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि e2 इज ग्रेटर देन e1, ओके, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसे ऑपरेट कर देता हूँ, कैट ऑफ ब्रा ऑफ साई जीरो एंड कैट ऑफ साई ऑफ टी। तो इसमें हमें कह रहा है कि आपके पास शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच दे विल बिकम ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन निकालते हैं, ये आपके पास कितनी आएगी, 1/2 ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाय एच कोट। तो देखिए आपके पास ये दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज आई थी, दो डिफरेंट आइगन स्टेट्स के लिए, तो दोनों स्टेट्स आपके पास क्या होंगी, ऑर्थोगोनल भी होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये नोट कर रहा हूँ, और यू वन यू टू जहाँ पर भी आपके पास आएगा उसको मैं ऑर्थोगोनल कर दूंगा, और जहाँ पर यू वन आएगा उसको मैं नॉर्मलाइज के लिए ले लूंगा, ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कोट। तो आपके पास इतना वैल्यूड हो जाएगा। अब देखिए हाफ का कोई मतलब नहीं है वैसे, तो आपके पास ये आ जाएगा, इस टर्म को आप इधर ले आइए, ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाय एच कट ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट। अब देखिए ये टर्म आपके पास इधर नीचे आएगी, माइनस वन ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट ई टू द पावर
आई ई वन टी बाई एच कट। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस आई ई टू माइनस ई वन टी बाई एच कट इजिकल्स टू। अब देखिए हमें तो सिर्फ इसे कंपेयर करना है। अब देखिए माइनस वन आपके पास एक्सपोनेंशियल में वैल्यू किसके पास कब आती है, ई टू द पावर आई टू एन प्लस वन पाई, पर ये आपके पास प्लस माइनस दोनों पे आ सकती है ना, तो ई टू द पावर माइनस आई ई टू माइनस ई वन टी बाई एच कट। ओके, अब देखिए बस हम इसे कंपेयर करना और टाइम पीरियड निकाल लेंगे, तो प्लस टू एन प्लस वन पाई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन टी बाई एच कट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैंने नेगेटिव नेगेटिव को कंपेयर किया, तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है ना, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर मत कीजिएगा, नेगेटिव नेगेटिव को कंपेयर कीजिएगा। तो आप मेरी बात समझ गए ना कि यहाँ पर मैंने देखो आपके पास दो चीजें बनती थी, या तो मैं माइनस आइटा टू एन प्लस वन पाई को माइनस आइटा ई टू माइनस ई वन बाई टी बाई एच कट से मैं इसको कंपेयर करता, या फिर मैं प्लस आइटा टू एन प्लस वन पाई को माइनस आई ई टू माइनस ई वन टी बाई एच कट से इसे सॉल्व करता। ठीक है, अब क्योंकि ई टू आपके पास ग्रेटर देन बी वन था तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी आपके पास और ये नेगेटिव साइन तो आपके पास रहेगा ही फिर, है ना, तो हम इसको नेगेटिव नेगेटिव से कंपेयर करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास टाइम आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता और एच कट की वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव होती है, तो मैंने इसको वैसे कंपेयर किया, तो दूसरी वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी नेगेटिव वाली, है ना, तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड कितना आ गया, तो टाइम पीरियड आप देखिए टू एन प्लस वन पाई एच कट ओवर ई टू माइनस ई वन। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम आपके पास एन इक्वल्स जीरो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा पाई एच कट ओवर ई टू माइनस ई वन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट बैठता है, हाँ जी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेस पे सीएसआईआर दिसंबर 2014 में देखिए कैसा क्वेश्चन आर्क है। लेट्स सेवन एंड साइड टू नोट द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल विद एनर्जी आइगन वैल्यूज इवन एंड ई टू रिस्पेक्टिवली, विद ई टू इज ग्रेटर देन इवन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, द पार्टिकल इज प्रिपेयर्ड इन अ स्टेट साई t is equals to 0, 1 over root 2, 7 plus psi 2. The shortest time t at which psi t is equals to t will be orthogonal to psi t is equals to 0 is. तो ये तो अभी हम इसको evaluate करके आए, तो इसको तो आपको time ही लगना चाहिए टिक करते को, हाँ जी B answer एकदम correct है। ये next question तो चलते हैं, state of quantum mechanical state. So quantum mechanical state is represented by cat of psi is equals to c1 cat of phi1 plus c2 cat of phi2, where cat of phi1 and cat of phi2 are orthonormal basis and e2 is greater than even. Find time period of the state cat of psi. तो देखिए इसे हम जनरलाइज अप्रोच लेके चलते हैं कि हमें दे रखा है कैट ऑफ साई इज इक्वल टू सी वन कैट ऑफ फाइव वन प्लस सी टू कैट ऑफ फाइव टू। ये आपके पास हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, पहले तो हम इसको किसी टाइम पीरियड टी पर मान लेते हैं, कि मैं मान लेता हूं कि जब ये किसी टाइम टी पर पहुंच जाएगा वो टाइम पीरियड टी ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाय एच कट, हालांकि क्वेश्चन में दे दिखा ये, पर मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास फाइव वन की जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी वो इवन होगी और फाइव टू की एनर्जी आइगन वैल्यू ई टू होगी। ठीक है, तो उसके भी हाफ पे कर रहे हैं, जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया था हमने सी टू ई टू दी पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट फाइव टू। ओके, तो टी इज इक्वल टू टाइम टी पर पहुंच जाएगी तो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। ओके, तो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपके पास ये दोनों स्टेज बराबर हो जाएंगे ना, तो जब दोनों ये स्टेज बराबर हो जाएंगी तो आपके पास क्या आएगा ई टू दी पावर, मैं कंपेयर कर रहा हूं बस इधर ना, और यहां से मैं कुछ स्टेप भी मिस कर दूंगा, तो वन वन का कंपेयर हो सकता है, देखिए इससे कंपेयर हो सकता है, इधर से आपके पास किससे कंपेयर हो सकता है टी बाय एच कट, यहां से कंपेयर हो सकता है वन से। ओके, तो जब ये दोनों वैल्यूज आपके पास वन है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाय एच कट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट। ओके, अब यहां से आप ये एक बात ध्यान रखिएगा ई टू इज ग्रेटर देन ई वन। ठीक है, देखिए यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ई टू द पावर आई ई टू माइनस ई वन टी बाय एच कट इज इक्वल्स टू वन, और वन वैल्यू आपके पास कब आती है, वन वैल्यू आपको देखने को मिलती है ई दी पावर आई टू एन पाई, प्लस माइनस ले लेते हैं हम। अब देखिए कौन सी वैल्यू कंपेयर होगी, देखिए टाइम पीरियड आपके पास क्या है, टाइम बिग टी ले लेते हैं, सॉरी बिग टी टाइम पीरियड पे था ना वो, तो हर जगह बिग टी कर लेना इसको ना, जहां पर भी आपको दिख रहा हो, क्योंकि टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, तो यहां से आपके पास कितनी वैल्यू आएगी बिग टी की, देखिए सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव कंपेयर होगा क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहां पर जो वैल्यू कंपेयर होगी वो सिर्फ ये कंपेयर होगा, एक्सपोनेंशियल की जो पावर कंपेयर होगी वो आपके पास कुछ ऐसी होगी 2n पाई। ओके, तो आपके पास t कितना आ गया यहां से, t आपके पास यहां पर बन गया 2n पाई h कट ओवर e2 माइनस e1। ओके, और अगर हमें स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड पूछा गया तो n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 पाई h कट ओवर e2 माइनस e1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन अ टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल इज इन स्टेट व्हिच इज द सुपरपोजिशन ऑफ अ ग्राउंड स्टेट e0 इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट e1 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल विल रिपीट इटसेल्फ विद अ पीरियड ऑफ। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा
लैंग्वेज को मोल्ड करके दिया हुआ, गेट में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ ये। देखिए ये सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी निकाला था ना कि टाइम पीरियड कब होएगा आपके पास, वो तो टाइम पीरियड आपके पास हमने फॉर्मुला निकाला था 2nπ h cut over e2 minus e1। ओके तो आप समझ में होंगे, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, h ओवर e2 minus e1, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम पीरियड निकाला तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने। ओके तो अब h की वैल्यू पुट कीजिए, आप h की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 × 10⁻³⁴ जूल, ठीक है। और e2 minus e1 आपके पास 13 minus 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कीजिए और आपके पास 1.6 × 10⁻¹⁹ ये जूल आ जाएगा नीचे। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आएगा ये, तो हाँ जी बी ऑप्शन एकदम करेंट है, 2.1 × 10⁻¹⁵ सेकंड जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास CSIR दिसंबर 2015 में आ रखा है, ए ऑपरेटर ओ हैज टू नॉर्मलाइज आइगन स्टेट्स 1 and 2 विद आइगन वैल्यूज 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। द टू स्टेट्स कैट ऑफ यू कॉस थीटा कैट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा कैट ऑफ 2 एंड कैट ऑफ वी इज इक्वल टू कॉस फाई कैट ऑफ 1 प्लस साइन फाई कैट ऑफ 2 आर सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ ओ इज 7/4 एंड यू वी ऑर्थोगोनलाइज्ड इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाई। तो हमें ये चीज दे रखी है, वी ओ की एक्सपेक्टेशन दे रखी है आपके पास 7/4 और ओ की वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास कॉस फाई, तो कॉस फाई कैट ऑफ 1 प्लस साइन फाई कैट ऑफ 2 और यहां से हम एक्सपेक्टेशन यहां से ऑपरेटर ओ भी अप्लाई करेंगे, हम ऑपरेटर ओ अप्लाई होता है हमारे पास कॉस फाई कैट ऑफ 1 प्लस साइन फाई कैट ऑफ 2। ओके तो और क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जब आपके पास ओ ऑपरेटर 1 पे एक्ट होता है तो आप हमको आइगन वैल्यू 1 मिलती है, तो आइगन वैल्यू 1 मिलेगी आपको और कॉस फाई प्लस 2 और जब ऑपरेटर 2 पे एक्ट करता है तो हमारे पास 2 स्टेट पे एक्ट करता है तो आइगन वैल्यू मिलती है 2 साइन फाई। यहाँ पर आपके पास ये कैट ऑफ 1 आएगा और यहाँ पर कैट ऑफ 2। ओके तो इसको सॉल्व कीजिए आप, इन दोनों को करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए कॉस स्क्वेयर फाई प्लस 2 साइन स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 7/4। देखिए यहाँ से मैं निकल लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो मेरे पास सिर्फ साइन स्क्वायर फाई रह जाएगा, साइन स्क्वायर फाई 7/4 - 1, तो आपके पास ये आ गया 3/2 है ना, 3/4 जब आप साइन फाई की वैल्यू लिखेंगे, साइन फाई आपके पास कितना आ जाएगा, √3/2 मींस फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, फाई की वैल्यू आपके पास 5/6 / 3 आ गई। ओके तो फाई की 5/3 आपके पास दो ऑप्शन में मैच कर रही है, ए एंड बी में। अब हम फाइंड करते हैं थीटा, थीटा आपके पास कितना आएगा, देखिए एक हमें और कंडीशन दे रखी है उसके अंदर कि ब्रा यू कैट वी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कैट यू वेक्टर, ब्रा यू वेक्टर क्या दे रखा है, कैट यू वेक्टर देखा है, अब हमारे पास कैट यू वेक्टर जो हमें दे रखा है उसको हम ब्रा यू में चेंज करेंगे, कॉस थीटा कैट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ब्रा ऑफ 2 और आपके पास इधर आएगा कैट ऑफ वी, कैट ऑफ वी आपके पास होगा कॉस फाई कैट ऑफ 1 प्लस साइन फाई कैट ऑफ 2। ओके तो सॉल्व कीजिए इसे, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम ये 5π/3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, कॉस 5/3 कॉस 60 आपके पास कितना होगा, हाफ, तो कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ से हम इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन थीटा साइन फाई साइन 60 √3/2। अब ये वैल्यू आपके पास 0 कब आएगी, तो देखिए हमारे पास जब थीटा इज इक्वल टू -π/6 होगा, ओके तो थीटा आपके पास -π/6 होगा तब आपके पास 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए थीटा इज इक्वल टू -π/6 तो कॉस 30 आपके पास कितना होगा, ये यहाँ पर √3/4 हो जाएगा ये, वैसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन, तो साइन 30 आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ, तो -√3/4 तो ये 0 आ गया। तो आपके पास एक तो ये वैल्यू बनती है और एक ये वैल्यू बनती है, तो एकदम जो सही ऑप्शन है वो आपके पास है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट 2015 में आ रखा है ये, गिवन दैट साई वन एंड साई टू आर आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन विद आइगन वैल्यूज E1 एंड E2, व्हाट इज द एनर्जी अनसर्टेनिटी इन द स्टेट 7 + साई 2। तो इससे पहले हमें जो देख है, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन देख है उसकी जो आइगन स्टेट देखी है 7 साई 2 देखी है, उसकी आइगन वैल्यू देखें कॉरस्पॉन्डिंगली E1 एंड E2, ओके रिस्पेक्टिवली। तो जब हमारे पास एच साई वन पर ऑपरेट होता है तो हमें मिलता है E1 साई वन और एच जब हमारे पास साई टू पर ऑपरेट होता है तो मिलता है हमें E2 साई टू। ओके अब हम पहले एक स्टेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, स्टेट मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, देखिए C1 साई1 प्लस C2 साई2। अब देखिए मैं इसको नॉर्मलाइज भी कर लेता हूँ, नॉर्मलाइज के लिए बहुत इजी तरीका है आपके पास, क्या लो आप 1/√2 ले लो, ठीक है। अब देखिए हम इस स्टेट को यूज करके यहां पर क्या निकालेंगे, पहले तो हम एक्सपेक्टेशन, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, अनसर्टेनिटी निकालनी है, अनसर्टेनिटी इन द स्टेट साई1 प्लस साई2।
तो फॉर द एनर्जी ऑपरेटर. सो हमें पहले एक्सपेक्टेशन एच निकालते हैं. एक्सपेक्टेशन एच निकालेंगे, देखिए आपके पास साई एच साई. अब क्योंकि नॉर्मलाइज है तो हमें नीचे लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो एच जब आपके पास अप्लाई होगा साई वन पर आपके पास कितना आएगा ई वन. देखिए इसको पूरा लिखते हैं, कोई बात नहीं, वन बाय अंडर रूट टू साई वन प्लस वन बाय अंडर रूट टू कैट ऑफ साई टू एच वन बाय अंडर रूट टू साई वन. ओके तो एच आप अप्लाई कीजिए साई वन पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा ई वन साई वन प्लस और अंडर रूट टू चल ही रहा है हमारे पास. और यहाँ पर कितना आएगा एच जब साई टू पर ऑपरेट होगा तो हमारे पास आएगा ई टू बाय रूट टू. ओके तो साई वन पर ऑपरेट कीजिए तो आपके पास कितना आएगा ई वन बाई टू प्लस. ये ऐसे ऑपरेट होंगे क्योंकि आपके पास ये और तो नॉर्मलाइज स्टेट बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही है ना तो वो नॉर्मलाइज होंगी. अभी वापस डिस्कस नहीं करेंगे, आज हमने ये एक ही लाइन बहुत बार बोल दी ना तो आपको ये अंडरस्टूड हो जानी चाहिए. ठीक है, वैसे भी हर्मिशियन की प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ वो तो आपको आनी चाहिए. तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा ई टू बाय. ओके तो आपके पास एक्सपेक्टेशन एच इतना आ गया. अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन एच स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर इस स्टेज पर आकर एक बार और ऑपरेट होगा तो आपके पास साई वन प्लस वन ओवर रूट टू साई टू. तो यहाँ पर आपके पास आएगा ई वन स्क्वायर बाय रूट टू साई वन प्लस ई टू स्क्वायर बाय रूट टू साई टू. ओके तो आपके पास ये क्वांटिटीज आ जाएंगी. तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाय टू ई टू स्क्वायर. ओके तो आप ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा. ठीक है, अभी हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए. तो डेल एच एनर्जी के लिए एक्सपेक्टेशन एच स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एच स्क्वायर. तो देखिए कितना आएगा आपके पास एक्सपेक्टेशन एच स्क्वायर. हमारे पास कौन काम पर वैल्यू ये रही है. ठीक है, तो आपके पास आएगा ई वन प्लस ई टू स्क्वायर बाय टू माइनस. अब हमारे पास ये वैल्यू थी आपके पास एक ई वन प्लस ई टू बाय फोर. ओके तो इसको सॉल्व कीजिए ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर. तो ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू बाय फोर ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर बाय टू. ओके देखिए मैं वन बाय टू कॉमन ले लेता हूँ. वन बाय टू कॉमन लिया मैंने ई वन स्क्वायर माइनस ई वन स्क्वायर बाय टू. तो ई वन स्क्वायर बाय टू आ जाएगा ई टू स्क्वायर माइनस ई टू स्क्वायर बाय टू. तो ई टू स्क्वायर बाय टू आ जाएगा. अब देखिए जो लास्ट टर्म हमारे पास जो बची है वो आएगी हमारे पास माइनस टू ई वन ई टू. ओके ये बचेगा आपके पास. अब देखिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व कीजिए. तो देखिए ये आपके पास किस चीज़ का होल स्क्वायर बन जाएगा. ई वन माइनस ई टू का होल स्क्वायर बन गया और आपके पास नीचे इधर आ जाएगा टू 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 फोर और अंडर रूट चल रहा है हमारे पास. तो ई वन माइनस ई टू बाई टू. ओके तो आंसर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन से चलते हैं. कंसीडर ए सिस्टम हूज स्टेट एंड हैमिल्टोनियन एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो आर गिवन बाय कट ऑफ साई 304 एंड हैमिल्टोनियन आपको गिवन है. तो फर्स्ट हमें जो पार्ट फाइंड आउट करते हैं हम. इफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मेजर्ड एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. अब देखिए जो हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है, हैमिल्टोनियन जो हमें गिवन है वो हमारे पास है 300005. तो क्या ये आपको देखा हुआ नहीं लग रहा? हाँ, ये हमने शुरुआत में ही आज इसका आइगन वैल्यूज और इसके आइगन फंक्शंस निकाले थे. तो जो लोग सीधा स्किप करके यहाँ पर आए हैं तो वो वहाँ पर रेफर कर लें उस चीज़ को. ठीक है, तो इसके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस हमने निकाले थे. तो पहला पार्ट जो हमें पूछ रहा है, इफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मेजर्ड एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट. तो हमें जो थर्ड पोस्टलेट है हमें ये बताता है कि जो मेजरमेंट है वो आपके पास आइगन वैल्यूज ही होते हैं. ठीक है, फॉर द मेजरमेंट इफ यू आर मेजरिंग द एनर्जी देन द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस ऑपरेटर आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट. ओके तो आपको याद हो तो हमने इसके अंदर जो आइगन वैल्यूज निकाली थी हमारे पास आई थी 3 प्लस माइनस 5 है ना, शुरुआत में निकाली थी हमने. और जो 5-1 स्टेट हमने निकाली थी 1 बाय रूट 2 0 1 माइनस 1, 5-2 स्टेट 1 0 0 एंड 5-3 स्टेट इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 2 0 1 1. ओके अब देखिए जो हमें साई जीरो स्टेट दे रखी है, साई जीरो स्टेट 304. ओके तो पहले आप ये देख लीजिए क्या ये नॉर्मलाइज्ड है. नहीं, नॉर्मलाइज नहीं है. देखिए हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर करके हम देख सकते हैं 3 प्लस 9 प्लस 4 16
25, तो आपके पास ये ऐसे नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब ये नॉर्मलाइज है, ओके। अब हम इस स्टेट को कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन जो 51, 52, 53 के अंदर क्या कर लेंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे, तोड़ लेंगे। देखिए C1 51 प्लस C2 52 प्लस C3 53, ओके। पर हमें ये नहीं पता कि आपके पास C1, C2, C3 कितने हैं, ठीक है। तो C1 की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए कैसे। C1 कैन बी नोन बाय लाइक दिस, ओके। तो देखिए साई 1 कितना है हमारे पास, 1 बाय अंडर रूट 2, तो देखिए 0, 1, -1 एंड साई जीरो देखिए आपके पास 1 बाय 5, तो 5 यहाँ पर लीजिए और 3, 0, 4, ओके। तो रो कॉलम, तो देखिए ये इससे 0, ये इससे 0, ये आपके पास -4, 5 अंडर रूट 2, ओके। तो ऐसे ही आप C2 भी निकालिए और C3 भी निकालिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है, मैं भी आप अभी चेक करता हूँ, ओके। तो C2 C3 आपके पास जो इवेल्यूएट होकर आएंगे आपके पास 3 बाय 5 और C3 आपके पास कितना आएगा 4 बाय 5 अंडर रूट 2। तो ईजी था आपके लिए, ओके। आगे चलते हैं, तो अब देखिए हमने जब ये C2, C3 और C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर, तो आपके पास ये कैट साई कंस्ट्रक्ट हो गया, है ना। अब हम निकालते हैं पॉसिबल आउटकम्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो देखिए E1, तो जब मेजरमेंट हमारे पास -5 आता है फॉर एनर्जी आइगन वैल्यू -5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, क्योंकि -5 हमारे पास कौन से स्टेट के लिए आया था, आपके पास इस स्टेट 51 स्टेट के लिए आया था, 51 स्टेट के लिए आपके पास कितना आ जाएगा ये 8 बाय 25। एंड फॉर E3 आइगन वैल्यू जब आपके पास 3 आई थी तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो देखिए 9 बाय 25। एंड सेम फॉर जब आइगन वैल्यू आपके पास कितनी है 5, तो इसको आप E1, E2, E3 कर लीजिए, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 8 बाय 25, ओके। अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास वो ये कहता है फाइंड द स्टेट एट एनी लेटर टाइम टी। तो टाइम टी पे हम जानते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे हम, तो -2√2/5e−i। ई देखिए एनर्जी -5 हो जाएगा, 5 टी बाय एच कट 51 प्लस 3/5 e−, देखिए कितना था -i 3 टी बाय एच कट 52 प्लस आपके पास कितना है 2√2/5 e−i 5 टी बाय एच कट 53, ओके। तो ये आपके पास साई ऑफ टी बन जाएगा, कैट ऑफ टी। अब जो लास्ट पार्ट है वो हमें कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 एंड एट एनी लेटर टाइम टी, ओके। तो देखिए अब टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 पर हम जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालने का तरीका बताया था, अगर हमारे पास जो आइगन स्टेट्स हैं, देखिए 51, 52, 53 ऑल आर द आइगन स्टेट्स ऑफ एनर्जी ऑपरेटर, है ना। तो एनर्जी ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स हैं, तो हम क्या करते होते हैं उसके अंदर पोस्टुलेट्स की हेल्प की इस वजह से प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यूज, ओके। तो आपके पास जितने भी ये दे रखे हैं एंड 1, 2, 3 है ना आपके पास, तो P1 देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 8 बाय 25। आइगन वैल्यू कितनी होगी इसकी 51 की, 51 की आइगन वैल्यू थी -5 प्लस, देखिए ये आपके पास कितना है 9 बाय 25 हो जाएगा, 9 बाय 25। आइगन वैल्यू कितनी थी 52 की, 3 प्लस, ऐसे ही आपके पास ये कितना है 8 बाय 25। आइगन वैल्यू कितनी थी आपके पास इसके अंदर, आइगन वैल्यू थी इसके अंदर 5, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपके पास कितना आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 27 बाय 25 आएगा, ओके 27 बाय 25, ओके। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई है एनर्जी की। देखिए हमने ये स्टेप्स कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पर सीधा जंप कर गया हूँ, नहीं तो मैं इसको वैसे भी निकाल सकता था, जैसे कि आपको एच दे रखा है और आपको ये साइज दे रखा है, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे, ये तो आपको पता ही है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, यहाँ पर आप इसका ब्रास आई ले सकते थे, एच यहाँ पर बीच में ऑपरेट करा के कैट ऑफ साई करके हम इसे निकाल सकते थे, नीचे आप नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं अगर नॉर्मलाइज ना होता तो, हालांकि हमने इस नॉर्मलाइजेशन कर लिया ऐसे तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपने ये स्टेप्स कवर कर लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द नॉर्मलाइज आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन एच इज गिवन लाइक दिस, बी 51, 52, 53 आर द कैट स्टेट्स, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू of h and the variance of h in the state cat of psi 1 over under root 3 cat of psi 1 plus cat of psi 2 minus i cat of psi 3, okay। तो देखिए अब देखो सारी जितनी बात रह गई है वो postulate से रह गई है, ठीक है। आप जितना अच्छे तरीके से postulate को समझेंगे उतना अच्छे तरीके से आपके पास क्वेश्चन हैंडल होंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपको हैमिल्टोनियन दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर h 2 1 0 1 2 0 0 0 2, ओके। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच, देखिए पहले देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच निकालने का हमारे पास तरीका था, हम प्रोबेबिलिटी और एनर्जी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कर देते थे, ठीक है। पर जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, वो पॉसिबल आउटकम्स हमें कैसे पता लगेंगे, जब हम इस ऑपरेटर का क्या लेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। इस ऑपरेटर की आप आइगन वैल्यूज निकालिए, देखिए 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 0 1
जीरो 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 ओके. तो टू माइनस लैम्डा स्क्वायर और माइनस वन, टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो ओके. टू माइनस लैम्डा कॉमन लीजिए, टू फोर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री, टू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. लैम्डा प्लस थ्री लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू मैं देखिए लिख देता हूँ वन टू एंड थ्री. तो ये आ गया आपके पास आइगन वैल्यूज, आपके पास वन टू एंड थ्री आ गई ओके. और अब जो हमें स्टेट दे रखी है, स्टेट हमें देखिए क्या दे रखी है, स्टेट हमें शो कर रखी है कैट ऑफ साई इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट थ्री कैट ऑफ फाई वन साई वन प्लस कैट ऑफ साई टू माइनस कैट ऑफ साई थ्री ओके. तो देखिए पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी हमारे पास वन बाय थ्री, तो वन बाय थ्री इंटू आपके पास कितना आइगन वैल्यू वन वन प्लस साई टू, साई टू के आपके पास वन बाय थ्री कितनी आइगन वैल्यू टू, आइगन वैल्यू वन बाय थ्री आइगन वैल्यू कितनी है थ्री. तो सबको सम अप कर दीजिए आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एच आ जाएगी. तो देखिए थ्री से थ्री आउट कैंसिल, आपके पास टू बाय थ्री एंड वन बाय थ्री, तो आपके पास थ्री बाय थ्री आ जाएगी. तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आएगी वन प्लस वन टू, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू टू आ गई है ठीक है एच के लिए. अब हमें वेरियंस निकालना है, वेरियंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं देखिए हमें निकालना है डेल एच का स्क्वायर. जो आपके पास अनसर्टेनिटी आती है ना, जो आपके पास अनसर्टेनिटी आती है उसका ये स्क्वायर पूछ रहा है ठीक है, मतलब कि आपके पास वेरियंस पूछ रहा है. तो वेरियंस आप कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन एच स्क्वायर माइनस एच एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ओके. तो हमने ये टर्म तो निकाल ली है, हमें ये टर्म और निकालनी है. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे वापस से हम इस चीज़ को यूज करेंगे, इस बार हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा ओके. तो देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी थी वन बाय थ्री वन ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा हमारे पास वन बाय थ्री इंटू फोर, तो ये चीज़ आ जाएगी वन बाय थ्री इंटू नाइन. अब इस बार यहाँ पर ये हो जाएगा ठीक है. अब आप देखिए इसको आप सम अप करेंगे सारे को कितना आएगा फोर्टीन बाय थ्री ठीक है, ये आपके पास फोर्टीन बाय थ्री आ जाएगी. तो ये टर्म जो एच स्क्वायर आपके पास है ये आपके पास फोर्टीन बाय थ्री आएगी माइनस, तो ये आपके पास कितनी आएगी टू, टू का स्क्वायर होगा फोर आएगी आपके पास. और इसके ऊपर हमारे पास क्या इस बार अंडर रूट नहीं है ना, अंडर रूट की जगह ये स्क्वायर है ठीक है, स्क्वायर कर देंगे अभी तक ठीक है, तो अंडर रूट नहीं आएगा सॉरी. तो आपके पास ये जब आप सॉल्व करेंगे तो टू बाय थ्री आ जाएगा. तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपके पास, पहले तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन आई वो टू आई, और जो दूसरी बार जो वेरियस निकाले टू बाय थ्री आया. तो सही आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2019 में आ रखें. तो जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता रहेगा ओके. तो द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर टू लेवल क्वांटम सिस्टम एच, तो एच आपको दे रखा है ई वन जीरो जीरो. इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय साई ऑफ जीरो, तो आपको स्टेट क्या दे रखी है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो ये आपको स्टेट दे रखी है. देन तो हमें ये चीज वैल्यूएट करनी है ब्रा ऑफ साई जीरो कैट ऑफ साई ऑफ टी का आपके पास मॉड स्क्वायर, तो ये आपको वैल्यूएट करना है एट लेटर टाइम टी ओके. तो आइए पहले तो हम इसकी क्या निकाल देते हैं आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं. आइगन वैल्यू आपके पास क्या कितनी आएगी इवन एंड ई टू आएंगी ओके. और इसको हम तोड़ेंगे इस आइगन वैल्यूज के आइगन कैट्स के अंदर ठीक है, तो जो कि आपके पास बेसिकली एक बेसिस वेक्टर्स ही होंगे ठीक है. इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ जीरो वन एंड सी टू वन जीरो ठीक है, और सी वन को आप ले लीजिए वन ओवर अंडर रूट टू जीरो वन प्लस वन ओवर अंडर रूट टू वन जीरो ठीक है. ईजी निकल जाएगा ना, बहुत ईजी है ये ठीक है, मैंने एकदम बेसिक स्टेप किया है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, एकदम बेसिक कैलकुलेशन आई है ठीक है. आगे चलते हैं. अब देखिए आपको कैट ऑफ साई मिल गया ना, कैट ऑफ साई मिल गया आपके पास ये. अब हमें कैट ऑफ साई टी निकालना है, कैट ऑफ साई टी, कैट ऑफ साई टी देखिए हम निकालेंगे वन बाय अंडर रूट टू जीरो वन ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाय एच कट प्लस वन बाय अंडर रूट टू वन जीरो ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाय एच कट ओके. तो चलिए इसको ऑपरेट करते हैं अब, कैट ऑफ साई जीरो एंड कैट ऑफ साई टी. तो इसको आप करेंगे जब वन बाय अंडर रूट टू जीरो वन प्लस वन बाय अंडर रूट टू वन जीरो ऑपरेट्स ऑन दिस मच वैल्यू जीरो वन इट की पर माइनस आई ई वन टी बाय एच कट प्लस वन बाय अंडर रूट टू वन जीरो वन माइनस आई ई टू टी बाय एच कट ओके. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा देखिए, तो जो आपके पास ये बेसिस है वो इसी बेसिस से होगा, इस बेसिस से इसके अंदर ऑर्थोगोनलाइज्ड हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा. तो आपके पास इवेंचुअली ये कितनी वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू ई टू द पावर माइनस आई ई वन टी बाई एच कट प्लस ई टू द पावर माइनस आई ई टू टी बाई एच कट ओके. तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास. अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें इसका क्या करना है मॉड स्क्वायर करना है ना, तो इसका हम क्या कर देते हैं मॉड स्क्वायर कर देते हैं. मॉड स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, मॉड स्क्वायर कर रहे हैं हम ठीक है, मॉड स्क्वायर कर रहे हैं वन बाय फोर. और जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आएगा
ई टू द पावर, देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है, मुझे पता आप इसके अंदर कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। दूसरी टर्म आपके पास प्लस में होगी, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है ना इसका, और एक चीज़ याद में प्लस ई टू द पावर आई ई टू टी बाय एच। ओके अब देखिए, अब तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन रहेगा आपके पास, इसको इससे करेंगे आपके पास वन, इसको इससे करोगे आप, देखिए वन बना लेते हैं पहले, ठीक है, तो इसको इससे करोगे आपके पास एक और वन आ जाएगा। अब आ जाइए इधर, इसको हम इससे करेंगे तो आपके पास आएगा ई टू द पावर आई ई टू माइनस ई वन टी बाय एच कट, इसको आप इससे करेंगे तो आपके पास कितना आएगा प्लस ई टू द पावर आई ई वन माइनस ई टू टी बाय एच कट, ओके वन बाय फोर। ओके तो ये आपके पास कितना आएगा वन बाय फोर टू प्लस, तो देखिए इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसको हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बन रहा है कहीं ना कहीं, तो ई वन माइनस ई टू, तो इसको आप कर लीजिए ई टू माइनस ई वन, ओके बाहर आपके पास माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ई टू माइनस ई वन हो जाएगा। तो देखिए अभी फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको, कॉस का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास एड में, है ना, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा टू कॉस ई वन माइनस ई टू टी बाय एच कट, ओके तो आपके पास ये टोटली कितना बन जाएगा वन बाई टू वन प्लस वन कॉस ई वन माइनस ई टू टी बाय एच कट। ओके तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है आपके पास ये, हाँ जी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका।